रात 8:30 बजे छावला थाने के अंतर्गत कुतुब विहार एरिया में हमारे पीट ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, हेड कांस्टेबल रिंकू और ASI सुनील। उनको एक खबर मिला और एक PCR कॉल भी हुई कि वहाँ पर एक झगड़ा हो रहा है, जिस पर वो तुरंत अलर्ट थे, तुरंत वहाँ पहुँचे। एक ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा किया था। जब उन लड़कों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल रिंकू वहाँ पर आगे बढ़े और एक को पकड़ लिया, तो हेड कांस्टेबल रिंकू को 2 चाकू एक लड़के ने मार दिया। उस लड़के की पहचान उस छावला थाने के BC सन्नी के रूप में की गई। हेड कांस्टेबल रिंकू को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक स्टैब इंजरी थोड़ा डीप है, कंडीशन अभी स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रहा है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन यूनिट के सारे टीम और जो हमारे छावला थाने की टीम जो अलग अलग एंगल्स पे काम करते हुए अक्यूज्ड पर्सन्स को पकड़ने के लिए रात भर अलग अलग जगह पर रेड्स कर रहे थे। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई भाई रोड है कुतुब विहार एरिया में, वहाँ पर एक कमरे में ये लड़के छुपे हुए हैं, कुछ लड़के। उस इन्फॉर्मेशन पे जब हमारी टीम वहाँ रेड करने गई तो उन पर फायरिंग किया गया। इन सेल्फ डिफेंस हमारी टीम ने भी 3 राउंड फायर किया, जिससे कि जो सन्नी है उसको 2 राउंड गोली लगाए, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। उसका भी कंडीशन अभी स्टेबल है। टोटल 3 लड़कों को उस कमरे से पकड़ा गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो बाकी जो को अक्यूज भाग रहे हैं उनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं।